लालू यादव हमारे देश के भगवान है, हम लोग का तो भगवान है ही है, देश आने वाला समय में देश का भगवान है। लालू यादव जी के साथ गरीबों गुरबों का आशीर्वाद है, वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी को उखाड़ फेंकना है, नरेंद्र मोदी जी विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्ट प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाएगा। हम लोग संघर्षों के आदि, हम लोग लालूवादी हैं, ये सब ईडी सीबीआई से हम लोग डरने वाले हैं। सीबीआई वाला के कौन देख लेंगे, बिहार की धरती है, यहाँ से उसका भी इलाज होगा, सरकार का सत्ता परिवर्तन होगा, सबका हिसाब हो जाएगा। और भाजपा ये साबित कर दी है कि अब हम लोग से कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग ईडी सीबीआई खरीद कर ही चुनाव जीत सकते हैं। जो लोग खुद देश को बेचने में लगे हुए हैं वो दूसरों पे क्या कीचड़ उछाल रहे हैं। रश्मि जी का बाल बाका नहीं कर पाएगा भाजपा। राष्ट्रीय जनता दल का आज 27वां स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस पे जो है देखिए कार्यालय की जो तस्वीर है वो दुल्हन की तरह सज गया है और तमाम युवा पहुंचने लगे हैं। जिस तरह से बात करें बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनके प्रति कितना लगाव है, वहीं लालू यादव जो हैं इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को भी बनाया गया, लेकिन जिस तरह से आज स्थापना दिवस है इस स्थापना दिवस पे लालू यादव भी पहुंचेंगे और झंडा तोलन भी करेंगे। देखिए तमाम जो है व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि लालू यादव पहुंचे तो यहां स्थापना दिवस मनाया जाए। युवाओं से बात करेंगे क्या कहेंगे, कितने उत्साह है आज 27वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज हमारी पार्टी का 27वां स्थापना दिवस है, हम लोग पूरे युवा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, हम लोग उत्साहित हैं। आज हमारे लालू जी आएंगे, बहुत खुशी का माहौल है। स्वस्थ होने के बाद आ रहे हैं, लालू यादव जी के साथ गरीबों गुरबों का आशीर्वाद है, वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे। हम लोग का भी कामना है कि हमारे नेता हमेशा स्वस्थ रहे। क्या कहेंगे आज स्थापना दिवस है? आज 27 स्थापना दिवस है राष्ट्रीय जनता दल का। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जेल जाएंगे, उनके ऊपर चार्जशीट हो गया है। कभी कुछ नहीं होगा, तेजस्वी यादव के भी जेल नहीं जाएंगे, और ये बीजेपी वाले ऐसा जो है सोचते रहे, उनका मानसिकता ही ऐसा है सोचने का। बहुत ज्यादा उत्साह है, 27वां स्थापना दिवस है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। लालू जी गरीबों के नेता हैं, गरीबों के मसीहा रहे हैं। तो कह रहा है बीजेपी करिए फिर से जेल जाएंगे लालू यादव? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, चार्जशीट हो गया उनके ऊपर, ठीक है, होने दीजिए। जो लोग खुद देश को बेचने में लगे हुए हैं वो दूसरों पे क्या कीचड़ उछाल रहे हैं। जी जरूर, देखिए और भी युवा हैं, उनसे बात करेंगे। तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं, आज इस तरह से स्थापना दिवस है, लालू यादव भी आएंगे, उससे पहले देखिए किस तरह से जो है उत्साहित हैं युवा हैं यहाँ पे तमाम जो युवा हैं। क्या कहेंगे गगन जी, आज 27वां स्थापना दिवस है, वहीं पे लालू यादव भी आने वाले। आज बहुत खुशी की बात है, और पूरे देश के खास करके जो गरीब तबका के लोग हैं सभी के लिए खुशी की बात है कि आज के ही दिन जो है हमारी पार्टी का स्थापना हुआ था। और निश्चित रूप से जब से हम लोग की पार्टी आई है, एक गरीबों का एक उम्मीद है हम लोग की पार्टी, उम्मीद है, हाँ बिल्कुल। और जब तक तो कहा जाए बीजेपी कह रही है अब तो जेल जाएंगे, उनके ऊपर चार्जशीट, ना ना ऐसा कोई बीजेपी वाला बकते रहे, जो बोलना है बोलते रहे। लालू यादव के बारे में भी कह रहे हैं चार्जशीट तो हो गया, बीजेपी वाला क्या बोलेगा, वो सब ऐसे ही करते ही रहता है, कोई उसका काम है? कोई काम नहीं, छापा पे छापा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। मजबूती से हम लोग जो है पूरे बिहार के लोग अपने नेता के साथ हैं। उप मुख्यमंत्री का पद चला जाएगा, जेल जाएंगे, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए और भी युवा हैं, क्या कहेंगे आज स्थापना दिवस है, कितनी खुशी है सबसे पहले? देखिए एक खुशी ये आम जनमानस की खुशी भी है, अच्छा, कि जिन्होंने लालू जी आजीवन लड़ने का काम किया, जो भाजपा के सामने घुटना टेकने का काम नहीं किया, अच्छा, और 27 साल जो पार्टी का जो स्थापना उससे पहले से भी लालू जी संघर्ष लोगों के लिए करते आ रहे हैं, और ये अभी भी करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। और ये जो भाजपा अनेक प्रकार का प्रोपगेंडा जो अपना रही है, जो मजबूत है, अच्छा, उसको फंसाने और डराने का जो काम कर रही है, डरा रही है भाजपा, भाजपा से लोग डरने वाले नहीं हैं। और भाजपा ये साबित कर दी है कि अब हम लोग से कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग ईडी सीबीआई खरीद कर ही चुनाव जीत सकते हैं। और उससे 24 में क्या लग रहा है? 24 में आ रहे हैं हम लोग, महागठबंधन आ रहा है, देख रहे हैं है कि बीजेपी यहाँ तो सफाया हो, देखिए देखिए ये जो भाजपा वाले जो है ना, जो हमारे जो साहब आते ही बिहार में एक बिहार से अलग पहचान दे देने का जो काम किए, भाजपा वाला घबरा गए हैं कि अब साहब तो बाहर हैं, नहीं घबराएंगे। तेजस्वी, अरे तेजस्वी जी अकेले थे ना जो भाजपा को पानी पिला दिए थे, 32-32 को 27-27 को हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे थे, एक 27 साल के एक 29 साल के नौजवान से मतलब भाजपा का बुजुर्ग जैसे मतलब नेता घबरा गए, तो सोच लीजिए कि उनको उनके साथ पूरा देश का नौजवान किसान छात्र सब साथ है, और तेजस्वी जी का बाल बाका नहीं कर पाएगा भाजपा। क्या कहेंगे 27वां स्थापना दिवस पर? आदरणीय शेरे हिंदुस्तान लालू प्रसाद जी आज झंडा तोलन करेंगे, पार्टी का झंडा, कितना खुशी है? खुशी बहुत खुशी है, बिहार की कोने कोने से लोग माने आ रहे हैं। आप कहाँ से आए? हम वैशाली जिला से आए हैं, अच्छा, और मंगल जादापुर प्रवक्ता हूँ, अच्छा,
मैं कहना चाहता हूँ कि देश में तानाशाही की सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी जी को उखाड़ फेंकना है। नरेंद्र मोदी जी विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्ट प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाएगा। अरे अरे 100 अरे 100 करोड़ लाख रुपया लेकर 100 लाख रुपया लेकर वह किसको एमएलए एमपी को खरीद रहे हैं और 20 करोड़ 40 करोड़ इंजाम सत्य इंजाम लगा रहा हूँ, सत्य इंजाम लगा रहा हूँ। जिसको शीशा के घर वो पत्थर फेंक रहे हैं लालू यादव पर। कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा ईमानदार प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इसके ये अब तक जो है सही से छुट्टी नहीं लिए हैं। आपके नेता तो छुट्टी मनाने चल जाते हैं, मोदी छुट्टी नहीं मनाया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, कहते हैं मैं चौकीदार हूँ, तो ललित मोदी लेके भाग गया 50,000 करोड़, नीरव मोदी लेके गया 75,000 करोड़ और विजय माल्या लेके भाग गया 8 लाख करोड़ और पतियों को 12 लाख भारत की जनता को कमैनी लेके माफ कर दिया और वो कहते हैं उल्टे चोर कोतवाल के डाते। देश के प्रधानमंत्री भ्रष्ट है, देश के प्रधानमंत्री 2024 में आदरणीय सिर हिंदुस्तान लालू प्रसाद यादव जी उखाड़ फेंकेंगे। महागठबंधन चट्टान की तरह एकता है और कोई माइका लाल बिहार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को तोड़ नहीं सकता है, एकता नहीं सकता है, तोड़ नहीं सकता। अरे जेल जाएंगे तेजस्वी यादव। अरे 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 कई अब न्यायालय तीसरी आंख बैठा हुआ है। अच्छा, आप जबरदस्त न्याय पर 100% भरोसा है, न्यायालय तीसरी आंख है, न्यायालय ही सब कुछ है और न्यायालय पर ही विजय पाएंगे हम लोग और तेजस्वी यादव बिहार के क्या देश के आगे रहने वाले प्रधानमंत्री बनेंगे। जरूर देखिए और भी लोग हैं यहाँ पे, कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, कितने उत्साह है, 27वां स्थापना दिवस है। ये भी पूछने की बात है, ये भी पूछने की बात है। अच्छा, लालू यादव हमारे देश के भगवान है, हम लोग का तो भगवान है ही है, देश आने वाला समय में देश का भगवान है, देश के भगवान जी। क्या लग रहा है, लालू यादव देश के भगवान है, आपके भगवान है? हाँ तो है, इसमें देश के भगवान है, गरीब तबका का भगवान है, शोषित वंचित का भगवान है, बस मानिए कि दूध देश का भगवान है। कितनी खुशी है? खुशी तो बहुत है, बिना खुशी के हरा गमछी थोड़ी सर पे और तन पे आ गया। लेकिन आप जो है सीबीआई वाले चार्जशीट कर दिए हैं। अरे सीबीआई वाला के कौन देख लेंगे, बिहार के धरती है, यहाँ से उसका भी इलाज होगा, सरकार का सत्ता परिवर्तन होगा, सबका हिसाब हो जाएगा, बात समझिए। क्या कहेंगे अब तो आप, अभी बोले ना कि बिहार किसकी धरती है जी, ये उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाती, देख लीजिए हल्दी लग गई है, हल्दी लग गई और ये शुभ संकेत है, ये शुभ संकेत है। अच्छा ठीक है, इसको हल्दी लगा दीजिएगा। आप बखूबी जान रहे हैं कि हल्दी लगेगी किसको, किसको लगेगी, 24 की तैयारी नजदीक आ गई है। अच्छा, बस तैयार रहिए बस हल्दी लगाने के लिए। लेकिन वो बीजेपी वाले कह रहे हैं सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री है, उसके कोई भी टक्कर में है ही नहीं। हम आपको अभी क्या बोले, हल्दी लगेगी। अच्छा, अब किसको लगेगी आप निशाना आप खुद तय कीजिए। अच्छा, कि हल्दी किसको लगेगी, किसको लगाइएगा, अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, नड्डा है, लड़ाई किससे है, किससे है लड़ाई, किससे आप बताइए, आप बताइए, आप बोलिए ना, लड़ाई किससे है हमारी, टक्कर मोदी, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन किसकी लड़ाई लड़ रही है, तो हल्दी किसको लगेगी, बीजेपी को हल्दी लगा दीजिएगा, जाहिर सी बात है हल्दी लगेगी। इस बार कह रहे जीरो आएगा, एक भी सीट नहीं आने वाली आप लोगों को, क्या बात कर दिया आप, मीडिया कर्मी है, हम नहीं कह रहे, बीजेपी वाले कह रहे हैं, ये कह रहे 40 में 40, अमित शाह गए थे लखीसराय, कहे 40 में 40 है इस बार, किसी का कुछ नहीं चलेगा। हम भी जी, क्या क्या कह रहे थे आप, कुछ कह रहे थे, अमित शाह जी के लड़वा दीजिए ना बिहार से, तरफ वाले कह रहे एक छोटा सा कार्यकर्ता लड़ जाएगा तो ललन सिंह को हरा देगा। अरे बोलिए कि उन्हीं को लड़ने के लिए बोलिए ना कि वो जीत जाएंगे, उन्हीं को बोलिए, अमित शाह जी को बोलिए लड़ने के लिए बिहार से, जीत के दिखा दे, नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, मोदी जी, अरे मोदी जी भी नहीं जीतेंगे, इसमें कौन महागठबंधन में रहेंगे, कौन कभी क्या बता सकते हैं, महागठबंधन दूल्हा कैसे नहीं है, इसमें दूल्हा है ना, उसमें दूल्हा नहीं है, है ना, अरे छोड़िए ना, अरे मोदी क्या है, कुछ नहीं है, भाजपा मुक्त भारत होगा, इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है, इसीलिए बीजेपी को बौखलाया हुआ है, EDCBI का विपक्षी नेताओं पे यूज करना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, इसलिए 2024 में भाजपा को भी एहसास हो चुका है, अरे ये सब EDCBI सबसे डरने वाले हैं, हम लोग संघर्षों के आदि, हम लोग लालूवादी हैं, ये सब EDCBI से हम लोग डरने वाले हैं, ये सब देखते देखते तो 27वां स्थापना दिवस हम लोग का मन रहा।
क्या कह रहे थे? आप पूछ रहे हैं कि दुल्हा कौन होगा। अरे दुल्हा कोई होगा, बीजेपी वालों को हम बता दे रहे कि तिलक वही चढ़ाएगा, इस बात को याद रखे। आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि दुल्हा कौन है। तो जब तिलक चढ़ाएगा तो पता चलेगा कि जीजा कौन है, उसके बाद जो समझ लगेगा वही प्रधानमंत्री का चेहरा है। देखिए तमाम जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह है, क्योंकि आज राजद का 27 साल पूरा हुआ है, इसको लेकर के खुशी जो है जाहिर कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार को इस बार उखाड़ फेंकेंगे, वहीं तेजस्वी यादव फिर से जेल जाएंगे। तो इसको लेकर के साफ तौर पे कह दिया है कि डरने वाले नहीं हैं, हम लोग राजद वाले हैं, संघर्ष करते आए हैं। हमारे जो नेता हैं लालू यादव, वो शुरू से ही संघर्ष करते रहे। किस बात की डर, ये लोग CBI और ED का डर दिखाते रहे, हम लोग डरेंगे नहीं। तो अभी तक के लिए इतना ही, देखते रहिए इंडिया टॉप न्यूज़। मैं हूँ कमलेश।